मेरा नाम खुशी फूरिया है और लोटस में आके हम लोग को बहुत खुशी मिलती है और हम लोग बहुत अच्छे से नाचते हैं और कंफर्टेबल नाचते हैं। मीका गजेरा है और मैं कहूँगी लोटस नवरात्रि में बहुत ही मज़ा आ रहा है। इधर सब अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट है और कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है खेलने को, बहुत मज़ा आ रहा है। प्रीत पहली पहली हल्के छे है तू तेरी हेली घूंघट पट खोल मुकुट जानो छे रास राम जानो गोपियों ने संग खेले गानो राख्यो रहे न प्रेम छानो कान्हा आवाज मारी मानो मन गम तो ईस्टर वेस्ट लोटस नवरात्रि नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन लोटस सीजन 4 की धूम इतनी मची है कि मीरा रोड मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इसका नाम हो रहा है, क्योंकि ये जो मैदान आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पहले दिन से ही जो गरबा रसिक हैं, जो गरबा प्रेमी हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में आते हैं। यानी कि हर रोज़ 10,000-12,000 यहाँ पे गरबा में आते हैं और यहाँ पे डांडिया और गरबा खेलते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस सीजन 4 लोटस में यहाँ पे हर एक दिन फिल्मी सितारे कोई ना कोई आता है। इसी प्रकार आज बॉलीवुड के स्टार अफ्ताब शिवदासनी भी आए थे, चलिए उनसे बात करते हैं। आनंद लूटा नवरात्रि जी, बिल्कुल बहुत मज़ा आया। मैं हमेशा चाहता हूँ कि नरेंद्र जी मुझे हर साल बुलाए, लेकिन अफसोस पिछले कई सालों से नहीं होता आ रहा है कोविड की वजह से, लेकिन इस साल हम लोगों ने कोशिश की और हम लोग कामयाब भी रहे। बताएंगे नरेंद्र जी, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतने खूबसूरत तरीके से इतने बड़े पैमाने में हमेशा वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सब लोगों को खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। आज मेरे ख्याल से आज की तादाद 17,000 थी, जो बहुत बड़ी संख्या है। एंड मैं अब सिर्फ शुभकामनाएं बेस्ट विशेज देना चाहता हूँ कि ये जो है आपका जो सेलिब्रेशन है हमेशा बरकरार रहे और मैं उस सेलिब्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा रहूँ। सर, शहरवासियों को किस तरह का मैसेज देना चाहिए? बस कि जो ये जो हमारा फेस्टिवल है नवरात्रि का, उसे एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, यू नो खुशियाँ बांटिए और बेसिकली नाचिए और बहुत सारे कैलोरीज गवाइए। सर, कुछ चीज़ें आपकी पुरानी यादें ताज़ा हुई, क्या कहेंगे आपने खुद कहा? नहीं, मतलब मैं बचपन में थोड़ा बहुत गरबा खेलता था, लेकिन मैं हमेशा ऐसे मतलब मज़े लेने जाता था, गरबा तो खेलना आता नहीं था। हम लोग दोस्तों साथ में चले जाते थे, तो जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ इनके नरेंद्र जी के फेस्टिवल पर, तो अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और बस मज़ा आता है। जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो जब भी उन्हें हम इनवाइट करते हैं वो दिल से आते हैं, और आपने देखा होगा फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो नहीं आए, काफ़ी समय भी दिया, सभी को प्राइजेज भी दिए और खुद ने भी इन्जॉय किया, वो भी नाचे इनके साथ में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे शहरवासियों के लिए कि ऐसे बड़े कलाकार हमारे शहरवासियों को प्यार करते, हमारे शहर को प्यार करते, बस यही चाहिए हमें और बस यही बना रहे। आफ्ताब जी हमेशा यूँ ही हमारे बुलावे पर आते रहे और शहरवासियों को प्यार दे,
मीरा भाईंदर सहित मुंबई में भी लोटस का नाम जगमगाते हुए नजर आ रहा है। ये शहरवासियों का प्रेम और स्नेह जिसने इस उत्सव को इतना सराहा है, और मैं हमारे यहाँ पे जो सेलिब्रिटी आते हैं, बाकी नेता आते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आके ऐसे कार्यक्रम में चार चांद लगाते हैं। और आफ्ताब जी जब आए हैं तो कार्यक्रम की शोभा और बढ़ी है, सोने पे सुहागा हुआ है। बस इसी तरह चलता रहे, भगवान माता रानी से ही प्रार्थना है। और ये मुझे बेस्ट ड्रेस मेल का प्राइज मिला है। मेरा नाम इस लोटस नवरात्रि को लेकर, लोटस नवरात्रि का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो धूम है, जो यहाँ आनंद है, जो मूसा पाइक के साथ जो जो मज़ा आता है गरबा करने का, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहुत मज़ा आता है, दो घंटे तो हम जी लेते हैं। मेरा नाम दिशा है, मुझे बेस्ट ड्रेस फीमेल का प्राइज मिला है। मूसा पाइक में गरबा करके आप सब भूल सकते हैं, सब भूल जाते हैं, घर ऑफिस सब, ऐसा लगता है कि बस गरबा करते रहो, म्यूजिक एंजॉय करो। लोटस नवरात्रि इज द बेस्ट, यही इतना ही कहूँगा। इसमें आप समझ जाइए, पूरे महाराष्ट्र भर में इसकी धूम है, टीवी पे चर्चे हो रहे हैं, पूरे मीरा भाईंदर में तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना आप आगे का यहाँ का माहौल दिखाएंगे उनको, तो आपको लगेगा यहाँ पे मेला लगा हुआ है। और नरेंद्र मेहता जी जो कुछ भी करते हैं, उनकी पूरी टीम, उसमें हसमुख गहलोत जी हुए, जितने भी लोग हैं, वो सब टीम जो भी काम करती है एक्सेलेंट करती है। आप उसका उदाहरण अभी अंदर देख सकते हो, कम से कम 12 से 14 हज़ार के करीब संख्या अंदर अभी वर्किंग डे में 9 बजे रात को यहाँ पर उपस्थित हुई है। सभी देवी भक्तों का मैं धन्यवाद देता हूँ, माता रानी का आशीर्वाद सबको मिले, यही शुभकामना है। और मैं कहूँगी लोटस नवरात्रि में बहुत ही मज़ा आ रहा है, इधर सब अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट है और कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है खेलने को, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। मेरा नाम यशा है और यहाँ लोटस नवरात्रि में बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है। पहले हमें नवरात्रि खेलने के लिए बोरिवली तक जाना पड़ता था, बट अब हमारे मीरा भाईंदर में ही सारी अरेंजमेंट और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। को लेके मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मेहता जी को धन्यवाद करूँगी। नरेंद्र मेहता जी, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, हर साल ऐसे ही करते रहो। खुशी फुरिया है और लोटस में आके हम लोग को बहुत खुशी मिलती है और हम लोग बहुत अच्छे से नाचते हैं और कम्फर्टेबल नाचते हैं। थैंक यू। I'm not afraid of the dark.